हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम करेंगे कि रेडियन मैयर को डिग्री मैयर में कैसे कन्वर्ट करना है, और डिग्री मैयर अगर गिवन है हमें तो उसको रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे, जैसे पिछले पार्ट में भी हमने किया है कि 2 पाई रेडियंस होता है किसके इक्वल, 360 डिग्री, और पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अगर देखिए हमने रेडियन मैयर निकालना हो, मीन्स हमें डिग्री में गिवन हो एंगल और उसको हमने रेडियंस में अगर कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाना है, सिंपल, रेडियन मैयर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय जितना भी हमें एंगल डिग्री में गिवन होगा वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। ओके, और सिंपली अगर डिग्री मैयर निकालना है, मीन्स एंगल को अगर डिग्रीज में निकालना है और हमें रेडियंस में गिवन होगा, तो हम करेंगे 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई बाय जो भी एंगल रेडियंस में गिवन होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इससे ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 45 डिग्री, मैंने सिर्फ डिग्री में लिया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। इसका रेडियन मैयर होगा, रेडियन मैयर विल बी इक्वल टू रेडियन मैयर, बिल्कुल सिंपल है, दिस इज इक्वल टू, सिंपली हमने फॉर्मूला ही लगाना है, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाई 45 डिग्री में गिवन है, तो ये बन जाएगा हमें 45 डिग्री मैयर है। ओके, तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पाई अपॉन 4। क्लियर, यहाँ डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 45 लिख सकते हैं क्योंकि डिग्री में ही है ये। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई अपॉन 4। क्लियर स्टूडेंट, सिंपली जैसे हमारे पास डिग्रीज हैं, जैसे 0 डिग्री 0 डिग्री होगा, देन वन उसके बाद है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई अपॉन 6। सिमिलरली अगर हमारे पास 60 होगा तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा पाई अपॉन 3। ओके, ऐसे इनको हमने कन्वर्ट करना है, एंड 45 डिग्री के लिए पाई अपॉन 4 आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। ऐसे ही अगर हम 90 डिग्री के लिए करेंगे तो उसके लिए आएगा पाई अपॉन 2। ओके, अगर हमने 90 डिग्री को पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 90, अगर 90 डिग्री को रेडियंस में अगर हमने लिखना है तो ये क्या बनेगा हमारे पास, पाई अपॉन 2। क्लियर, ये तो है नॉर्मल जो हम आम करते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन सभी को आपको रेडियंस में पता होना चाहिए कि इनको क्या लिखना है हमने, पाई अपॉन 4, पाई अपॉन 6, पाई अपॉन 3 एंड पाई अपॉन 2। क्लियर, ये तो लर्निंग करने हमने, अदरवाइज अगर कंफ्यूजन हुए तो निकाल कर देख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर हमारे पास पिछले पार्ट में हमने किया है सेक्सागेसिमल सिस्टम, जिसमें हमने मिनट को पहले डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, देन मिनट को सेकंड्स में किया है। ओके, तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 18 डिग्री 20 मिनट्स। ओके, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है हमने, सेकेंड पार्ट है हमारे पास 18 डिग्री 20 मिनट्स, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 80 डिग्री तो आ गया प्लस, फिर इसको लिखेंगे 20 मिनट्स, प्लस लिखना है बीच में, देन अब देखिए हमने किया है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ओके, ये किया है हमने, अब अगर 1 मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो ये क्या बनेगा, 1 अपॉन 60 डिग्री। ओके, तो 1 मिनट मीन्स अगर 20 मिनट होगा हमारे पास, तो ये डिग्री में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 20 अपॉन 60 डिग्री, मीन्स 1 अपॉन 3 डिग्री। क्लियर, तो इसकी जगह पर हम डिग्री में चेंज करेंगे इसको, ये बनेगा 18 डिग्री प्लस 1 अपॉन 3 डिग्री। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ये, देन इन दोनों को हमने इकट्ठे कर देना है, ये बनेगा 18 प्लस 1 अपॉन 3 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 54 प्लस 1 विल बी 55, एंड दिस विल बी इक्वल टू 55 अपॉन 3 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स, एंड डिग्री के लिए हमने फॉर्मूला किया हुआ है, दिस इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मैयर, तो इसका रेडियन मैयर क्या होगा, रेडियन मैयर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय 55 अपॉन 3। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसको हमने कैंसिल कर देना है, ये आ जाएगा हमारे पास 11, यहाँ बनेगा 36, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 11 पाई अपॉन 108, दिस विल बी योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिए, हमारे पास अगर ये फॉर्म आ जाए 45 डिग्री 30 मिनट्स 50 सेकंड्स, तो पहले हमने क्या करना है, 30 मिनट एंड 50 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट करना है दोनों को. ओके, पहले तो इनको ऐसे ही सेम प्लस प्लस में लिखना है. देन अब देखिए, 1 मिनट किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड्स की. ओके, तो 1 सेकेंड किसके बराबर होगा, 1/60 मिनट के. देन 50, अब हमने 50 सेकेंड को कन्वर्ट करना है पहले मिनट में, तो हम करेंगे 50 सेकेंड्स इज इक्वल टू 50/60 आ जाएगा मिनट, तो 5/6 मिनट आ गया. ओके, तो हमारे पास बन गया 5/6 मिनट. अब इस मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, देन डिग्री में. अब डिग्री में कैसे आएंगे, देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट के बराबर होगी, ये पिछले पार्ट में किया हुआ है हमने एक्सप्लेन. देन 1 मिनट किसके बराबर होगा, 1/60 डिग्री के. देन 5/6 मिनट किसके इक्वल होगा, 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/60 डिग्री. अब इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1/72 डिग्री. तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया 50 सेकंड को 1/72 डिग्री में. ओके, सेम ऐसे ही 30 मिनट किसके इक्वल होगा, 30/60 डिग्री में, विच विल बी 1/2 डिग्री. अब इसको हमने देन इकट्ठा कर लेना है, इनके एलसीएम वगैरह लेकर ये सॉल्व करके ये आ गया हमारे पास फ्रैक्शन 3277/72 डिग्री. अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया, तो रेडियन मयर बिल्कुल सिंपल है, सिंपल फॉर्मूला लगाना है हमने. दिस इज पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई बाय डिग्री मयर. ओके, तो इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा हमारे पास आंसर. क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट है, अगर हमारे पास एंगल रेडियस में गिवन है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है. जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3π/2, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, डिग्री मयर इज इक्वल टू 180/, डिग्री मयर इज इक्वल टू 180/ पाई मल्टीप्लाई बाय, जो भी हमें रेडियंस में एंगल होगा, दिस इज 3π/2. ओके, देन इसको जब हम सॉल्व करेंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये बनेगा हमारे पास 290, बनेगा 270 डिग्री. ओके, ऐसे हमने रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है. सेम ऐसे ही 5π/6 हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, पाई 180/पाई मल्टीप्लाई बाय 5π/6. क्लियर? तो ये बनेगा, जब इसको भी सॉल्व करेंगे, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, 630, ये आ गया 180 डिग्री, एंड दिस विल बी इक्वल टू 150 डिग्री. क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो हो गई हमारे पास डिग्री मयर को, जैसे रेडियन को हमने डिग्रीज में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा टॉपिक. थैंक्स फॉर वॉचिंग. खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए.